नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ। पंजाब में नई मंत्रियों का ऐलान हो गया, नए मुख्यमंत्री बन गए चरणजीत सिंह चन्नी। उसके बाद मंथन इस बात को लेकर होने लगा कि जो पंजाब का कैबिनेट होगा, नए कैबिनेट, उसमें किस मंत्री को मौका दिया जाएगा और किस पुराने मंत्री का पत्ता काट दिया जाएगा। इसको लेकर राहुल गांधी के घर पर चरणजीत सिंह चन्नी के साथ कई लोगों का मीटिंग हुई। 2 बजे रात तक बैठकें हुई, बातचीत हुई कि क्या हो सकता है, अटकलें हुई। अब वो तस्वीरें साफ जब हुई तो नई 7 नई मंत्रियों को मौका मिला, लेकिन 2 ऐसे मंत्री हैं जिनको मौका नहीं मिलने पे जो है बवाल मचा हुआ है पूरे पंजाब में। और इसी वजह से जो आलाकमान है कांग्रेस के, हरीश रावत जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा है कि इन 2 मंत्री को जिन्हें मौका नहीं मिला कैबिनेट में, इन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। इसे 2 मतलब निकाला जा रहा है। एक तो ये कि कैबिनेट में जगह नहीं मिला है, तो या तो उन्हें समझाने के लिए या फिर इस मैटर को ठंडा करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें नाराज़गी होगी, गुस्सा होगा, इस बात को साबित करने के लिए, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। अगर मिलेगी तो कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। यही वजह है कि कैबिनेट को लेकर बवाल मचा हुआ है। और एक चीज़ साफ जाहिर हो रहा है जो मैं आखिर में आपको बताना चाहूँगा। नितिन गडकरी ने साफ शब्दों में कहा था कि आज देश में जो विधायक है वो मंत्री बनने की कोशिश करते हैं, जो मंत्री होते हैं वो मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करते हैं, और कई ऐसे मंत्री होते हैं जो उप मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करते हैं, यानी सबको कुर्सी की मलाई चाहिए, कि नितिन गडकरी की बात यहाँ साबित हो रही है। अब देखना होगा कि आखिर होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें स्पेन 9 न्यूज़। नमस्कार।